नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में तीन पुरी भाइयों ने कई कमाल के किरदारों से दर्शकों का मन लुभाया है, अमरीश पुरी, मदन पुरी और चमन पुरी। अमरीश और मदन पुरी ने खलनायक बनना पसंद किया, वहीं सबसे बड़े भाई चमन पुरी चरित्र अभिनेता के रोल में मशहूर हो गए थे। आज हम आपको इन तीन बेजोड़ अभिनेताओं की मौत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बॉलीवुड की फिल्मों में जब भी विलन की बात आती है तो सबसे पहले अमरीश पुरी का नाम याद आता है। अमरीश पुरी ने वजनदार शख्सियत और दमदार भारी भरकम आवाज से कितने ही बॉलीवुड हीरोज को विलन के आगे बच्चा बना दिया। उन्होंने एक विलन के तौर पर बॉलीवुड में एक बहुत ही लंबा दौर जिया, जिसमें उनके सामने अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक हीरो रहे। 22 जून 1932 को नवांशहर पंजाब में पैदा हुए अमरीश पहले बीमा कंपनी में क्लर्क हुआ करते थे। उनका सपना सिनेमा में काम करने का था। बड़ा भाई फिल्मों में था, उनकी मदद से अमरीश भी बॉलीवुड पहुंच गए। 1971 में एक फिल्म आई रेशमा और शेरा। इस फिल्म में रहमत खान के किरदार में उन्होंने कमाल कर दिया। अभिनेता के रूप में निशांत, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले अमरीश पुरी ने बाद में खलनायक के रूप में काफी प्रसिद्धि पाई। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अमरीश पुरी के अभिनय से सजी कुछ मशहूर फिल्मों में गांधी, कुली, नगीना, राम लखन, त्रिदेव, फूल और कांटे, विश्वात्मा, दामिनी, करण अर्जुन, कोयला आदि शामिल है। दर्शक उनकी खलनायक वाली भूमिकाओं को देखने के लिए बेहद उत्साहित होते थे। 80 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई बड़ी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो की भूमिका के जरिए वो सभी के जहन में छा गए। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घातक और विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिकाओं के जरिए सभी का दिल जीता। दोस्तों, इतने महान अभिनेता का अंत बहुत खराब हुआ। अमरीश 60-65 के करीब रहे होंगे। उनको सांस लेने में परेशानी होने लगी, शरीर में थकान रहने लगी। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे हालत और बिगड़ने लगी तो डॉक्टर के पास पहुंचे। जांच रिपोर्ट आई तो सब चौंक उठे। अमरीश को एक बहुत दुर्लभ खतरनाक कैंसर की बीमारी ने जकड़ लिया था। ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर था। इस कैंसर की वजह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इलाज भी असर नहीं कर रहा था और कैंसर बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीमारी में उनको 2 बार मलेरिया हो गया। इसके बाद तो उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बेड से उठ भी नहीं पाते थे। जनवरी 2005 की बात है, वो बाथरूम जाने के लिए बेड से उठने लगे, मगर उनको चक्कर आ गया और वो सिर के बल गिर पड़े। उनके सिर में अंदरूनी चोट लग गई। फौरन अमरीश को अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट से पता लगा कि उनके दिमाग में क्लॉटिंग हो गई थी और इमरजेंसी ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। अमरीश का ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ और वो कोमा में चले गए। 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी की दर्दनाक मौत हो गई। अब बात करते हैं दूसरे भाई मदन पुरी की। 60 और 70 के दशक में मदन बॉलीवुड पर राज किया करते थे। मदन पुरी के खाते में 50 साल का फिल्मी करियर और 430 से भी ज्यादा फिल्मों का रिकॉर्ड है। वो किसी में खलनायक बने तो किसी में बड़े भाई, किसी में पिता तो किसी में साइंटिस्ट। वो भारी भरकम शरीर के मालिक तो नहीं थे, लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी अनोखी डायलॉग डिलीवरी। उनकी कुटिल मुस्कान और धूर्त नजर बताती थी कि उनके मन में कुछ गलत चल रहा है। नवांशहर पंजाब में ही 1915 को पैदा हुए मदनपुरी फिल्मों में हीरो बनने का सपना देखा करते थे, मगर पिता ने रेलवे में नौकरी लगवा दी। मदन ने जुगाड़ लगवा कर अपना ट्रांसफर कलकत्ता करवा लिया, ताकि वहां के मशहूर न्यू स्टूडियो में बुआ के बेटे के एल सैगल से मुलाकात हो जाए। बाद में सैगल की मदद से 1941 में आई खजांची में स्टेज डांसर और 1944 में आई मेरी बहन में डॉक्टर का एक छोटा सा रोल मिला। इसके बाद 1946 में अहिंसा फिल्म आई। इस बीच मदन बंबई आ गए और 2-4 फिल्में बतौर हीरो की, मगर कोई पहचान नहीं बन रही थी। देव आनंद से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। देव ने मदन को सलाह दी कि वो विलन के रोल किया करें। देव की सलाह पर मदन ने कुछ फिल्में की, जैसे जीत, विद्या, नमूना से लेकर पूरब और पश्चिम। खुशी की बात ये रही कि देव की सलाह काम आई और विलन के रूप में मदनपुरी का सिक्का जमने लगा। इसके बाद मदनपुरी ने कई बेजोड़ फिल्में की। इनमें इत्तेफाक, वक्त
तलाश, हमराज, काला पत्थर, आराधना, अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी और क्रांति से लेकर विधाता आदि शामिल है। फिल्म उपकार में भाई भाई के बीच आग लगाने वाले चरणदास का रोल हो या दीवार फिल्म का विलन सामंत, इन किरदारों को लोग आज भी याद करते हैं। दोस्तों, मदनपुरी की मौत भी बहुत दर्दनाक हुई। मई 1984 की बात है, उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। अस्पताल पहुंचे और चेकअप हुआ तो पता लगा कि मदनपुरी को खतरनाक कैंसर की बीमारी हो गई थी। इसके बाद तो उनका जीवन नर्क बन गया था। 8 महीनों तक अस्पताल और घर के बीच उनकी जिंदगी चलती रही। इलाज के बाद भी कैंसर फैलता जा रहा था। इसी बीच मदनपुरी की दोनों किडनियां भी खराब हो गई। अब तो वो बैठने उठने लायक भी नहीं बचे थे। अंतिम दिनों में मदनपुरी का दिमागी संतुलन भी खराब हो गया था। 13 जनवरी 1985 के दिन कैंसर और किडनी फेल्यूर की वजह से उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया और महान अदाकार की मौत हो गई। अब आपको पुरी भाइयों में सबसे बड़े भाई चमन पुरी के बारे में बताते हैं। 2 अक्टूबर 1914 को पैदा हुए चमन पुरी परिवार में सबसे पहले फिल्मों में आए थे। 1938 में स्ट्रीट सिंगर नाम की फिल्म से चमन ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। छोटे दोनों भाई खलनायक के रूप में मशहूर हुए, लेकिन चमनपुरी चरित्र अभिनेता हुआ करते थे। भले ही वो अमरीश और मदन के बराबर मशहूर नहीं थे, मगर चमन के चाहने वाले भी कम नहीं थे। चमनपुरी ने कई बेजोड़ फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बना ली थी। इनमें हावड़ा ब्रिज, प्यार किए जा, द ट्रेन और विक्टोरिया नंबर 203 ने उनको मशहूर कर दिया था। वहीं रात की रानी, संग्राम, मस्ताना, अफसाना और पेइंग गेस्ट जैसी फिल्मों के जरिए भी उन्होंने खूब नाम कमाया। चमन ने अपने भाई मदन के साथ भी फकीरा, चोर मचाए शोर और आप बीती जैसी नामचीन फिल्मों में अभिनय किया। 26 जून 1998 को इस महान अभिनेता की मुंबई में मौत हो गई। दोस्तों, अमरीश पुरी ने ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने वाले एक नामचीन डायरेक्टर की मशहूर विदेशी फिल्म में खलनायक के रूप में माँ काली के भक्त का किरदार निभाया। इस किरदार ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। क्या है उस फिल्म का नाम और उस मशहूर किरदार का नाम? अगर जानते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही सुनी अनसुनी जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।